मिथिलापति महाराज जन वानराज सुग्रीव मित्र विभीषण, मेरी प्रिय माताओं और भरत जन मेरे प्रिय महारानी सीते और समस्त अयोध्या वासियों, मैं महान सम्राट इक्ष्वाकु और महाराजा रघु का वंश, महान अज का पाद और महाराजा दशरथ का पुत्र रहा। आज आप सभी के सामने दोनों भुजाएं उठाकर प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे राज्य में सभी नगरवासी एक समान होंगे, सभी को समान अधिकार प्राप्त होंगे, सभी नगरवासियों को वाणी की स्वतंत्रता होगी, सभी नगरवासी मेरे आचार विचार और आचरण का भी संकोच आलोचना करने के लिए स्वतंत्र होंगे। मैं ना राज्य चाहता हूँ और ना ही कोई स्वर्ग, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे नगर में सभी नगरवासी संपन्न हों। मैं आप सभी को आश्वासन दिलाता हूँ कि मेरे अस्त्र शस्त्र सदैव अपराध के विरुद्ध लड़ते रहेंगे। मेरे बाण सदैव जनमुक्ति के पक्ष में लड़े थे, अतः वो कहलाए थे राम बाण। मैं तो बस अंत में इतना ही चाहता हूँ कि समस्त विश्व में निर्भयता का प्रसार हो, यही मेरी राम राज्य की परिकल्पना है। राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। महारानी सीता ने मेरे साथ अथाह कष्ट सहे, अतः मेरे नाम के आगे सदैव सीता का नाम दिया जाएगा। सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। लक्ष्मण हनुमान आते हैं, वानरों की सेना जीत का मना रही हुड़दंग, अश्रुओं की धार बहा रही अयोध्या भरत के संग। जवाहर कला केंद्र का हर कोना है पुलकित, ये दर्शक 5 दिन से हुए जाते हैं हर्षित। अच्छाई अब हमारे मन में रहनी चाहिए अजय, अच्छाई अब हमारे मन में रहनी चाहिए अजय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो सुत हनुमान की जय। एक बार जोरदार तालियों के साथ कलाकारों से मैं आपका परिचय कराऊंगा, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। मैं चाहता हूं बैक स्टेज के साथी, संगीत के साथी, नृत्य के साथी सब पीछे की तरफ आ जाएं। जवाहर कला केंद्र के हमारे साथी, बहुत कोशिश करूंगा सबका नाम आए। आप लोग जिसका नाम लिया जा रहा है कृपया अभिवादन कर अपना परिचय देते चले। पीछे की तरफ सभी बैक स्टेज के साथी अपनी जगह लेते जाएं। दोस्तों, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि ये 14 शहरों से, राजस्थान के 14 शहरों से ऑडिशन के जरिए कलाकारों का चयन जवाहर कला केंद्र ने किया। मैं इनका परिचय आपके सामने रख रहा हूं। चिराग मेरोठा, चिराग नरूका, प्रदीप घटी, तन्मय जैन, पंकज सैनी, केशव सिंह, सुमित चेची, रामकेश मीणा, विशाल बघेल, बाघीरथ कुमावत,
ये सब विभिन्न रोलों में आपने 5 दिनों में इन्हें देखा, कोई राक्षस बना था, कोई वनवासी बना था। एक बार तालियों के साथ अक्षत शर्मा वैद के रूप में, बाल हनुमान के रूप में, राजा के रूप में, नगरवासी के रूप में आपके सामने हर रोज आपकी तालियां लेके गए। प्रियांशु कुमारी मंथरा बने और साथ ही संगीत में भी इनकी वाणी हमने रोज सुनी। नितेश सिंह, वशिष्ठ, अमित झा, सुमंत, सुमंत ने दूसरे दिन हमें रुलाया था यहाँ, ये वही सुमंत है। मोहम्मद अनस राजकुमार और राक्षस बने। कल याद कीजिएगा किस तरीके से यहाँ करंट की तरह से बढ़ते हुए दिखे थे मोहम्मद अनस। एक बार ताली अनस के लिए। राघव राजपूत केवट और राक्षस के रोल में थे, तालियां इनके लिए। अभिषेक कुमार, पीयूष शर्मा, भावेश शर्मा, आयुष, ऋषभ, गौतम, प्रारूप माथुर, दीक्षांत शर्मा, राहुल बैरवा परशुराम के रूप में पहले दिन आपके सामने नजर आए थे, राहुल बैरवा। वीर राज वीर कुंभकर्ण, एक बार जोरदार तालियां कुंभकर्ण के लिए। अशोक कुमार विभीषण, रोनी सिंह जटायु संपाति वानर के रूप में दिखे, हनी मिश्रा, कृष्णा कश्यप, योगेश जांगीर बाली के रूप में, जो एक युग आपको यहाँ नजर आया था योगेश। राहुल शर्मा दशरथ और समुद्र देव बने। एकता चहल, झनक शर्मा, खुशबू यादव, साक्षी खानवानी कभी राक्षसी कभी वनवासी के रूप में यहाँ आपके सामने थी। प्रिया पवार शबरी पार्वती राक्षसी सखी के रूप में 5 दिन आपके सामने थी। पल्लवी भट्ट कौशल्या, रश्मि शर्मा मंदोदरी, खुशी रालोनिया रंभा तारा सखी राक्षसी, अपेक्षा जैन सुमित्रा, चारू भाटिया शूर्पणखा के रूप में, प्रतिभा पारिक ने क्या क्या बन के पहले सबकी भ्रुक्ति चढ़वाई, उसके बाद आंखों में अश्रु लाई और फिर त्रिजटा के रूप में सबको खूब हंसाया। यशवंत सिंह अंगद जिसने रावण को अपने पैरों में झुकाया। अनिल बैरवा राजा बने थे पहले दिन। संजय महावर के लिए जोरदार तालियां, मेघनाथ के रूप में ये आपको नजर आया था। देखिए मंच पर और भी बहुत किरदार हैं, लेकिन उनका परिचय कुछ क्षणों बाद होगा। पहले बैक स्टेज के साथियों का, और पहले मैं आ जाता हूँ जो नृत्य में हमारे बहुत ही सुंदर नृत्य यहाँ प्रस्तुत हुए। कथक नृत्य में झिलमिल याशिका, सौम्य गुप्ता, अंतिमा, हिमाद्री, प्रियंका, रिमझिम और सिमरन। लोक नृत्य में वैशाली सुरोलिया, रितिका, सोनिया, खुशी, प्रतिभा मीणा, कणिका मीणा, हिमानी, दक्षिता। मैं अनीता प्रधान जिन्होंने इसकी कोरियोग्राफी की, कथक नृत्य और लोक नृत्य, उनके लिए एक बार जोरदार तालियों के लिए कहूंगा। भरतनाट्यम में मीनाक्षी, डॉक्टर पूर्णिमा, तान्या बिहानी, यवी, तनु, आन्या, सौम्य, कनिष्ठा, मधुषा और मिष्टी। नृत्य संयोजन इनका रहा मीनाक्षी लखोटिया का, इनके लिए भी जोरदार तालियों। संगीत की बात पर आते हैं, राजेंद्र जडेजा मुख्य गायक और हारमोनियम का जिम्मा संभाल रहे थे, महेंद्र डांगी तबले पे, मयंक शर्मा की बोर्ड पे, छवि जोशी पखावत, हरिहरन शरण भट्ट सितार पर, मुकेश खांडे ऑक्टोपर, शेर मोहम्मद करताल, ऋतिक भट्ट गायक, प्रियांशु पारिक जो मंथरा बने थे उन्होंने गायन का जिम्मा भी संभाला, अमित झा, अभिषेक कुमार और अक्षत ने गायन में साथ दिया। आप सभी का वंदन। दोस्तों प्रकाश संयोजन जो लाइट आपने यहाँ देखी, हमारे वरिष्ठ साथी दिनेश प्रधान और गगन मिश्रा ने इसका फिर जोरदार तालियां। रूप सज्जा रवि डाका और उनके साथी। इस नाटक के सहायक निदेशकों में संजय महावर, अनिल बैरवा, यशवंत सिंह, सुप्रिया शर्मा। हमारे बैक स्टेज में कुछ और साथी आए, उसमें रुचि जी, राजेंद्र जी, जितेंद्र, हिमांशु, इनके लिए भी जोरदार तालियां यहाँ हो जाए। पटकथा लेखन में अनुरोध शर्मा, किशोर मुखर्जी, डॉक्टर नरेंद्र शर्मा कुसुम, ललित कपूर,
वेशभूषा मनसुख भाई के लिए जोरदार तालियां यहां पर हो जाए। जो पगड़ियां आप दोस्तों हमारे सुकुमारों के सिर पे, रावण के सिर पर जो ये सुशोभित है, वो कमला पोद्दार जी यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए और उनकी स्टूडेंट्स के लिए जोरदार तालियां यहाँ पर। अब वो कुछ नाम जिनके बिना ये प्रस्तुति कैसे संभव हो सकती थी, मैं इस पूरे आयोजन के नोडल ऑफिसर अब्दुल लतीफ उस्ता जी को भी तालियों से उनका स्वागत आप यहाँ करिए। उनके साथ मुकेश शर्मा जी, राजीव राठौड़ जी, अनिल चौधरी जी, भरत सिंह जी का भी हम अभिनंदन करते हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। केंद्र की एडीजी अनुराधा जी से निवेदन, आप भी मंच पर बधाए, जोरदार तालियों से स्वागत। संभवतः गायत्री जी अभी यहाँ नहीं है, वो इस परिवार को पूरा मुखिया की तरह, एक बार उनका भी जोरदार अभिनंदन। पंकज ओझा जी जरूर यहाँ मौजूद होंगे, संयुक्त सचिव कला एवं संस्कृति विभाग, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। मैं, क्योंकि मैम यहाँ पर मौजूद हैं, दो शब्द तो कल हो गए थे, लेकिन इस परिवार में यहाँ उपस्थिति हम चाहेंगे, आप जरूर आए। माननीय मुख्य सचिव मैडम उषा शर्मा जी का अभिनंदन। श्वेता पचौरी और उनकी समस्त टीम जिन्होंने इसकी ब्रांडिंग यहाँ देखी, उस पूरी टीम जो लाइव स्ट्रीम करा रही थी, उनका भी स्वागत अभिनंदन। रविंद्र, जितने हमारे यहाँ जवाहर कला केंद्र के साथी एक एक जिन्होंने इस पूरे आयोजन में मदद दिया, सबका अभिनंदन करते हैं। अब वो कुछ नाम आप चाहेंगे यहाँ, जिनका इंतजार आप सभी कर रहे हैं, वो नामों की ओर बढ़ रहा हूँ। आप आयुष शर्मा रावण, आधार कोठारी हनुमान, चरण पादुकाएं अपने सर पे लेकर जो दूसरे दिन सबको रुला गए, वो भाई भरत, उनका अभिनंदन। मनीष कुमार, अंजलि सक्सेना, सीता, जय सोनी, लक्ष्मण और नितिन सैनी, श्री राम। दोस्तों, ये कैनवास आप देख रहे हैं यहाँ, विभिन्न रंग आप देख रहे हैं यहाँ। अब उस शख्सियत को यहाँ बुलाना चाहूंगा जो इस कैनवास में जिसने तूलिका उठाकर ये रंग भरे, मैं परिकल्पना करता और निर्देशक अशोक राही जी को मंच पर। दोस्तों, बस एक बात मैं आप सब लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि आदमी के पास दो चीजें होती हैं जब वो मेरी उम्र में आ जाता है, वानप्रस्थ में मैं आ गया हूँ, 60 से ज्यादा का हो गया हूँ, एक तो धन और एक जान। धन तो बेशक वो इस दुनिया में छोड़ जाए, खूब सारा धन छोड़ के जाए, क्योंकि उसके जाने के बाद अगर उसकी जो बेटे पोते हैं उस धन में बत्ती लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्ञान अगर आप अपने साथ लेके गए तो ये बहुत बड़ा अन्याय करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ज्ञान जितना बांट सके उतना ठीक है, और मेरा तो अब यही मिशन एकमात्र रह गया है कि मैंने जो कुछ अर्जित किया है, जो कुछ सीखा है, वो मैं इन सारे बच्चों में बांटूं। और बस जो कुछ कहना है इन सारे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 6 महीने से, करीब एक पिछले साल नवंबर में हमने